फैलाना है, मार्केट में भ्रम फैला दो कि हम हमारा सब ठीक ठाक है, ताकि उधर से कोई लोग आ जाए, जाल फेंक रहे हैं दाना चुगने के लिए, कोई शिकार है फंस जाए, इस तरह का वो शिकारी लोग हैं, इसमें माहिर लोग हैं, लेकिन उनका अभी दाल गलने वाला नहीं है। आपकी 12 तारीख को आप देखेंगे कि 128 से संख्या कहीं बहुत ज़्यादा रहेगी, और उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं किसी के बारे में, चाहे हम लोग के बारे में, किसी के बारे में, उनको 12 तारीख को समझ में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन लेकर आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, 12 तारीख को बिहार विधानसभा में होम फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि जो सोच के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनी उसके विपरीत होगा उस दिन। देखिए, सोच तो है कि बिहार का विकास करना, सोच है कि बिहार में शांति व्यवस्था कायम रखना, सोच है कि बिहार को आगे ले जाना, तो सोच को कोई रोक नहीं सकता है जी। अब वो जिस सोच की बात करते हैं उसी सिंड्रोम में वो जीते हैं। उनका मतलब है कि कैसे तोड़ फोड़ करें, कैसे अशांति फैलाएं, तो उन लोगों का सोच है, उन लोग करने दीजिए। बिहार आगे बढ़ चला है, आगे बढ़ेगा, और हम समझते हैं कि जो गठबंधन बिहार में बना है, ये नया गठबंधन सबसे बढ़िया गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है, बिहार के विकास की नई गाथा, नई इबादत लिखी जाएगी जी। उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए के कई विधायक उनके संपर्क में है, आपकी भी पार्टी के 4 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, क्या आपसे भी आरजेडी के लोगों ने कभी संपर्क करने की कोशिश की है? देखिए, इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को रखते हैं। अगर कोई आपसे, आपकी इच्छा रहे, आपके में अंदर कॉन्फिडेंस रहे, तो कोई भी आपसे बात करके कोई भी आपको इधर उधर कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग का एक ही मोटो है, एक विचारधारा है कि गरीबों को आगे बढ़ाना। उस विचारधारा में जो गठबंधन अभी बना है, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में जो सरकार बनी है, और केंद्र में जो सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, दो गठबंधन डबल इंजन की सरकार है। हम समझते हैं बिहार के ये के लिए ये सबसे बढ़िया उपयुक्त गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है, और विकास के लिए भी है, क्योंकि केंद्र की राशि आएगी और एक अच्छे एबल हाथों में बिहार है। तो हमको नहीं लगता है कोई भी विधायक हों जो जीत के आए हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता ने उनको वोट दिया है और उनसे काम खोजती है, तो ऐसे गठबंधन और ऐसे जगह नहीं जाएंगे जहां के बिहार के विकास रुक जाए। पहले भी महागठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, तो हम समझते थे कि बिहार में एक तरह से विकास रुक गया था, जब से उनका हाव भाव भी हम देखे हैं, तो सब विधायक बहुत ही वहां के समझदार हैं, एबल हैं, कहीं पर कोई टूट फूट नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि जो संख्या एनडीए का है 128 संख्या, उससे ज़्यादा संख्या से बहुमत साबित होगा, और हमारे के अगर टूट फूट होता तो निश्चित तौर पर हमारे के भी लोग इधर उधर भागने के चक्कर में रहते हैं, चाहे तरह तरह की बातें होती हैं। हम एनडीए में कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही, और एक तरफ देखे हैं कि कांग्रेस सारे विधायकों को लेकर के हैदराबाद की सैर करा रहे हैं, रिजॉर्ट कल्चर शुरू हो गया, उसमें भी 2-3 विधायक नहीं गए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर तो उन लोग है, लेकिन एक भ्रम फैलाना है, मार्केट में भ्रम फैला दो कि हमारा सब ठीक ठाक है, ताकि उधर से कोई लोग आ जाए, जाल फेंक रहे हैं दाना चुगने के लिए, कोई शिकार है फंस जाए, इस तरह का वो शिकारी लोग हैं, इसमें माहिर लोग हैं, लेकिन उनका अभी दाल गलने वाला नहीं। आप कह रहे हैं कि एनडीए के पास 128 जो विधायक है उससे ज़्यादा उस दिन वोटिंग हो सकती है, तो क्या लगता है किस पार्टी के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं उससे? देखिए, पार्टी की बात जहाँ तक करते हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, विकास को पसंद रखते हैं, उस मानसिकता के नहीं है, उनके अंदर छोटे चाहते हैं कि हम एनडीए के फोल्ड में आ जाएं, यही सही मौका है। और ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनका नाम लेना हम नहीं समझते हैं उचित होगा, तो ऐसे लोग हैं, और आप देखेंगे, आज बात आपकी 12 तारीख को आप देखेंगे कि 128 से संख्या कहीं बहुत ज़्यादा रहेगी, और उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं किसी के बारे में, चाहे हम लोग के बारे में, किसी के बारे में, उनको 12 तारीख को समझ में आ जाएगा। आखिर में एक सवाल है कि विपक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि भले उस दिन फ्लोर टेस्ट में एनडीए पास कर जाए, लेकिन ये जो नई सरकार बनी है ये लोकसभा चुनाव तक के लिए बनी, उससे ज़्यादा तक नहीं चल पाएगी। अब इस तरह की बात तो उन लोग किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हमको इस बात की जानकारी है कि जनता की चुनी हुई सरकार है, जो आज गठबंधन है 2020 में जो मैंडेट मिला था इसी गठबंधन को मिला था, और जनता ने पूरे 5 साल के लिए गठबंधन दिया था, और 5 साल के कार्यों के आकलन करने के बाद ही जनता अगले साल 25 में
जो भी होगा उसको भी, और हम समझते हैं कि जो देश में माहौल है, जो नई नई इबादत लिखी जा रही है, जिस तरह से लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के एक बड़े नेता के रूप में, कैसे विश्व के पटल पर एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो पूरी दुनिया उनको मानती है, और हमारे देश जो हमारा भारत है वो सुरक्षित है उनके हाथों में, एक विश्वास जो है ना, जनता का विश्वास उनके ऊपर है, और वही विश्वास बिहार में भी है कि ये उनका साथ है, अगर NDA के साथ में उनका साथ है तो निश्चित तौर पर बिहार का भी विकास लिखा जाएगा। तो जनता, वो जनता जो हमारी बिहार की जनता है, वो 15 साल का कुशासन और जंगल राज देखा है। जंगल राज में जो जिस तरह की बातें होती थी, जिस तरह से लूट होते थे, जिस तरह से अत्याचार होते थे, तो उसको जाना नहीं चाहता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी इनको मौका मिलता है तब अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, सजग है। हमारा देश, हमारा राज्य लोकतंत्र की जननी है, जहाँ इतने हमने इतने दिन बातें की है, इतने अच्छे हमने प्रशासन दिया है, और एक इतिहास है वहाँ की जनता समझती है। आने वाला जो समय है 2024 हो चाहे 2025 हो, हम 24 में तो जीतेंगे ही। हमारा जो पिछला प्रदर्शन था उस प्रदर्शन से हम कम नहीं होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो तो एक सेचुरेशन पॉइंट था, वो तो सबसे बड़ा है, उससे 40 हो सकते हैं, हम 40 से नीचे नहीं जाएंगे। और 25 में भी देखिएगा, 2/3 बहुमत से वहाँ की सरकार बनेगी, क्योंकि उन लोग को वो जमाना भी करना चाहिए जब उन लोग 22-23 विधायक हो गए थे, वो फिर दौर आने वाला है, और अपना कुनवा संभालें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ें, कैसे जनता के बीच में अपनी छवि को सुधारें, इस पर उनको सोचना चाहिए। इन सब फिजूलबातों को समय खराब नहीं करना चाहिए उन लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, दिल्ली से इंफॉर्मेशन के लिए मैं धीरज सिंह।